आओ तो बढ़िया सीता बना रहे भाई चल और सीज फायर के अब चलो ये राम राम भाई हो सभी का स्वागत है नए ब्लॉग के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के पता ही लग गया नहीं सलाम देखते हैं टंकी मैंने कल ही देख लिया था बात भी कर तो आज हमारे हैं अन्ना डॉली बीस्ट अभी भाई थोड़ा भाई को आराम नहीं है तो कमजोर है बाहर से नहीं अंदर से फिर भी मजबूत है इसको बोलते हैं मूवी लवर तो किसी भी सिचुएशन में मूवी देखने आते हैं जैसे कि मैं और आज हम मतलब ऑलमोस्ट एवरेज 2 घंटा पहले आ जाते थे लेकिन आज 1 घंटा है 40 मिनट जल्दी आ गए भीड़ देखो आज कितनी है भीड़ आज बहुत है और पहली बार आज में मतलब लाइन में शहर में टिकट निकाला उसने आवाज़ भाई हम सला उसी आस में भाई के जी एफ का लिंक है कि नहीं मूवी देखने के बाद मालूम है तो ऐसे हमारा शो स्टार्ट होने ही वाला होता है कि हमें कहते हैं कि सीन 3 में शो कैंसिल हो गया आप सीन 2 में जा सकते हो तो सब लोग पागलों की तरह भागने लगते हैं बस और फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर सीटों के लिए अलग से झगड़ा चालू हो जाता है फिर वहाँ का मैनेजर भी आता है बाद में फिर लास्ट में बोलते हैं कि नहीं भाई फिर से सीन 3 में ही चले जाओ वहीं पे आपका शो लेकर देंगे फिर सब लोग पागल की तरह भागने लगते हैं अब से क्या कर रहे कुछ समझ में आ रहा है पहले सीन स्क्रीन 3 में थे फिर वहाँ से स्क्रीन 2 में भेजे स्क्रीन 2 में थोड़े जन को 350 का टिकट दे के 200 वाले सीट पे बिठा रहे थे तो उसके जैसे सब लोग अभी स्ट्राइक करे अभी रिटर्न स्क्रीन 3 में जा रहे हैं मोए मोए आ रहा हमारे साथ फिर होती है प्रभास भाई की एंट्री भाई पागल हो गए सभी लोग फिर होते हैं पृथ्वीराज की एंट्री और ये क्लाइमेक्स का सीन भाई तो हाँ जी गाइस तो मूवी वगैरह सब कुछ हो गए अब हाँ दूसरे कपड़े में क्या हो गया था पता है हमारा मतलब थोड़ा इशू हो गया था आपने देखा ही तो इशू होने के बाद मूवी स्टार्ट होता है 1 बजे स्टार्ट होता है और मूवी ख़त्म होता है 4:30 बजे इंटरवल मिला के तो 3 घंटे की पिक्चर 4:30 बज गए वहाँ पे खाना खाते खाते 6 बजे 5:30 बज गया फिर घर पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गया फिर वहाँ से मैं जिम चला गया फिर अभी फ्रेश होके वॉकिंग करके आपके सामने ठहरा हूँ और रही बात मूवी की तो सलार के पहले नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं सलार के अंदर ना भाई मूवी अच्छी है मासी फिल्म है ये नॉर्मल ऑडियंस को उतना पसंद नहीं आएगी स्पेशली प्रभास फैन को बहुत पसंद आएगा जैसे कि क्रेज हमने देखा ही था कितना मतलब हाउसफुल था ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 50% ऑडियंस ना KGF के कारण ही आए हैं मतलब कनेक्टेड है कि नहीं वो ही देखने के लिए आया रहेगा तो मासी ऑडियंस के लिए और नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर ना भी स्लो मोशन भाई भर भर के डाले और डायलॉग्स यार डायलॉग सिर्फ गिने चुने डायलॉग से नहीं है यार मतलब मेन कैरेक्टर्स के डायलॉग से नहीं है सिर्फ स्लो मोशन में ही बात करके मतलब स्लो मोशन में ही एक्शन दिखा के पिक्चर ख़त्म कर देते हैं प्रशांत हिल तो इस कैरेक्टर बिल्डअप में ही सब कुछ चला जाता है मतलब हाँ ये KGF का पूरा मतलब कॉन्सेप्ट पूरा यहीं पे लेके आया जब कैसे KGF में हमें ऐसा ऐसा दिखाते हैं गरोड़ा को मार देते हैं फिर लास्ट में वैसा हो जाता है ना सेम इसी के अंदर भी वैसे ही है इसके अंदर कुछ किसी एक मेन आदमी को मार देते हैं फिर पूरा आर्मी इसके तरफ आती है फिर वैसा उतना ही मासी प्रशांत ने मतलब KGF का ही पूरा इंस्पायर हो गया है KGF जिस तरह बनाया है ना मतलब पहले पूरा इमोशन दिखाएंगे वैसा ऐसा दिखाएंगे माँ का इमोशन दिखाएंगे फिर बाद में कैरेक्टर बिल्डअप करेंगे फिर बाद में जाके मेन गेम सेकेंड पार्ट में खिलाएगा जैसे कि KGF पार्ट चैप्टर 2 में किया था और रही बात मूवी के पॉजिटिव पॉइंट की मूवी की स्टोरी जबरदस्त स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई क्या चल रहा है यार क्या मतलब है क्या ये कुछ समझ में नहीं आएगा और जैसे एंडिंग आएगी ना भाई जबरदस्त यार स्टोरी जहाँ पे ट्विस्ट लेता है ना जब पता चलता है कि प्रभास
मतलब देवा जो कैरेक्टर है उसके अंदर, तो जब पता चलता है ना कि वो मतलब उसका जो दोस्त है खास फ्रेंड वही उसका दुश्मन निकलता है, तब जाके वो लोग दुश्मन बन जाते हैं दोनों फ्रेंड्स। तो यही था पार्ट वन का। और दूसरी पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगी भाई, सिटी खानसर सिटी यार कितना खूबसूरत दिख रहा था भाई, और मुझे तो स्पेशली खानसर सिटी बहुत ही अच्छी लगी। और बात करें डंकी की गाइस, तो डंकी एक फैमिली ड्रामा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो डंकी है एक फैमिली ड्रामा मूवी जिसके अंदर आप बेहिसाब कॉमेडी मिलेगी और ड्रामा बेहिसाब मिलेगा, और एक्टिंग तो है ही, और स्टोरी भाई मान गए राजकुमार सर को, क्या स्टोरी लिखी है सर ने, मतलब बहुत बहुत ही ये हो गया था, मतलब मैं सोचा ही नहीं था ऐसा ऐसा होगा। और वो टॉयलेट मतलब कंटेनर का सीन यार, वहीं पे बैठे हुए रहते, बाप रे, और देख के मतलब वन टाइम अलग। सर राजकुमार सर सैल्यूट है आपको, आपके डायरेक्शन को, वन ऑफ दी बेस्ट नहीं कह सकते इसे, मतलब उतना ही स्टोरी वाइज बहुत ही जबरदस्त है। तो गाइस एक तरफ है फैमिली ड्रामा और एक तरफ है अडल्ट मूवी, आपको चूज करना है। और दोनों के अंदर भी आप चले जाओगे ना तो बोर तो बिल्कुल भी नहीं होगे। हाँ सलार के अंदर थोड़ा बहुत हो जाओ, कि डंकी के अंदर आप बोर नहीं होगे क्योंकि कॉमेडी टाइम बहुत ही बढ़िया है उसके अंदर। और डंकी को मैं दूंगा 5 out of 4 star, एक शाहरुख सर की एक्टिंग के लिए और एक राजकुमार सर की डायरेक्शन के लिए। और सलार को मैं दूंगा 5 out of 4 stars, सर स्टोरी जबरदस्त थी इसलिए दे रहा हूँ। हमें KGF चाहिए भाई, KGF चाहिए। और गाइस रही बात KGF एंड सलार के लिंक की, लिंक बिल्कुल भी नहीं है KGF। हाँ आई फेल्ट सैड कि मैं इतना पैसे खर्च करके गया वहाँ पे, आई एम रिग्रेटिंग नाउ, लेकिन अच्छा लगा यार। मतलब मासी फिल्म फुल KGF वाला वाइब आ रहा था उसके अंदर, मतलब अच्छी है एक टाइप, प्रभास मासी फैंस के लिए अच्छी है, प्रभास का कमबैक कह सकते हो इसे आप। लेकिन उसके अंदर ना नाम लिखा है वहाँ पे, मतलब स्पेशल थैंक्स टू रॉकिंग स्टार यश, जैसे मूवी मतलब स्टार्ट ही होने वाली होती है ना, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे मूवी स्टार्ट होने वाली होती है तब की बात है। तो दैट्स इट, लिंक तो नहीं है, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।